हेलो फ्रेंड, हमने इंडियन पॉलिटी में यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ और राज्य क्षेत्र, जो संविधान के भाग एक में है और अनुच्छेद एक से चार तक उसका वर्णन है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने कर लिया था। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम करेंगे, इसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के भाग एक के अनुच्छेद एक से चार तक में की गई है। संविधान में भारत के दो नाम हैं, किसी के दो नाम होते हैं ना, उसी तरह से भारत के दो नाम है। एक इंग्लिश नाम है जिसे इंडिया कहते हैं और दूसरा नाम है भारत, जैसे कहीं हिंदुस्तान, कहीं आर्यावर्त, कुछ भी लिखा रहेगा तो नहीं। संविधान के भाग एक में दो ही नाम है, वह है इंडिया और भारत। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके बारे में हमने बात कर लिया था, इसीलिए कहा गया है कि भारतीय राज्य किसी समझौते के साथ एक नहीं हुए हैं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उनका विभाजन किया गया है, जिस तरह से राज्य में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का विभाजन होता है। अनुच्छेद एक में भारतीय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि भारतीय क्षेत्र को अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे हिट करेगा कि उसे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, पर अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला राज्य का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा जो भी भविष्य में कोई ऐसा क्षेत्र भारत अधिग्रहण करता है, अगर यदि करता है तो उसको फिर शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद दो के अनुसार, अनुच्छेद दो कहता है कि संसद विधि के द्वारा किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकता है या किसी नए राज्य की स्थापना कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद कोई भी कानून के द्वारा किसी भी अगर नए राज्य यानी कोई नया क्षेत्र अधिग्रहित किया तो उसे राज्य के रूप में संघ में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद दो यह शक्ति संसद को देता है, या किसी नए राज्य की स्थापना भी कर सकता है। अनुच्छेद तीन क्या कहता है कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, उसके सीमाओं में, उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है। यह शक्ति संसद के पास है। तो यानी आर्टिकल तीन के अकॉर्डिंग जैसे अभी ये तेलंगाना बना, उत्तराखंड का नाम बदल गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़, तो इस तरह का जो भी ताकत, जो भी पावर संसद को है, यह अनुच्छेद तीन से संसद को मिलता है। लेकिन अनुच्छेद तीन का यूज संसद कैसे करेगा, इसकी दो शर्तें हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और लोग गलती कर जाते हैं। इसमें पहला शर्त यह है कि इस तरह का जो परिवर्तन लाएगा उससे संबंधित जो भी अध्यादेश आएगा वह संसद में रखने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति उसके लिए लेना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति के पूर्व कंसेंट के बाद ही वह अध्यादेश संसद के पटल पर रखा जाएगा। ये हुई पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि जिस राज्य से संबंधित वह अध्यादेश है उस राज्य को राष्ट्रपति निश्चित समय सीमा के भीतर उस राज्य के पास वह अध्यादेश भेजेगा और उसे कहेगा कि आप अपनी सहमति या असहमति या आप अपने मत, इस अध्यादेश पे आपका मत क्या है, इसे आप मुझे भेजें। तो निश्चित समय सीमा के अंदर राज्य को वह भेजना होता है। राज्य बाध्य नहीं है अपने मत को भेजने के लिए, ठीक उसी तरह से संसद या राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है राज्य के उस मत को मानने के लिए। राज्य जो भी कहे, संसद नहीं चाहे तो उसे नहीं स्वीकार कर सकती, ये उसका राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये 22 में ही है, संघ विधानमंडल का मत संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। फिर है संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है, संसद जब चाहे उसमें परिवर्तन कर दे। यानी यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, संघ शासित क्षेत्र की बात हो रही है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, राष्ट्रपति के अंदर होता है। तो यहाँ किसी भी तरह की कोई अध्यादेश के उस वहां भेजने की जरूरत नहीं है। संसद जब चाहे उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन या उसको हटा सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश, गठन, निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यह जो भी किया जा सकता, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड का नाम बदला, पश्चिम बंगाल का नाम बदला, ठीक है, तो इसके लिए जो भी संसद कदम उठाएगी, जो विधायी प्रक्रिया, साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत अगर इसमें कोई भी चेंजिंग लाती है, तो इसे 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, या कोई नए राज्य का गठन करती है, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद एक सामान्य बहुमत, साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए उसे बदल सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तब करना पड़ेगा जब इन राज्यों का नाम बदला जाएगा, जिनका क्षेत्र बदला जाएगा, या फिर नए राज्यों का गठन होगा, तो करना पड़ता है तब जब अनुसूची एक में इन राज्यों का नाम डालना पड़ता है, उस समय संशोधन करना पड़ता है। पर वैसे जो यह प्रक्रिया होती है बिल्कुल साधारण विधायी प्रक्रिया है, इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद किसी देश के साथ सीमा निर्धारण विवाद को हल कर सकती है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी सीमा विवाद हुआ, तो यह संसद उसको हल कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसे हल किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है, लेकिन कार्यपालिका किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशों को नहीं दे सकती, यानी भारत चाहे कि बंगाल को हम बांग्लादेश को दे दे तो यह संभव नहीं है। इसके लिए उसे 368 में संशोधन करना पड़ेगा, 368 के थ्रू संशोधन करना पड़ेगा, तभी वह किसी को देश सौंप सकता है, अपना जगह सौंप सकता है, अन्यथा वह साधारण प्रक्रिया के द्वारा अपने क्षेत्र को विदेश को नहीं दे सकता। भारत जब आजाद हुआ था उस समय 552 देसी रियासतें थी, इनमें 549 भारत में हंसी खुशी शामिल हो गई, पर तीन भाई बच गए थे। एक था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा शामिल किया गया, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया, पर अभी पाकिस्तान नहीं मान रहा, वो बात अलग है, लेकिन विलय पत्र के द्वारा ही कश्मीर शामिल हुआ था। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार भागों में बांटा था। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो भारतीय राज्यों का विभाजन था, क ख ग और घ, चार भागों में था, ठीक है, तो भाग जो क था उसमें ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर का शासन था, ख में वहां कुछ राज्यों में जो विधान मंडल थे वो थे प्लस शाही शासन थे, वहीं जो भाग ग था वह ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त जो थे उनके अंडर में था, प्लस कुछ शाही यानी राजवाड़ों का शासन था, और घा जो था वह स्पेशली अंडमान एंड निकोबार के लिए बनाया गया था। आपको बताएं कि भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले धर आयोग बना था। यह जो धर साहब थे यानी एस के धर जो थे, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, और राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने अप्रोच किया था, इनको इसका अध्यक्ष बनाया था। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, केवल प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इस पे क्या हुआ, विवाद बहुत ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि साउथ के लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर जब ये दिसंबर में रिपोर्ट दिए, तो दिसंबर में ही 1948 में ही, 48 में धर आयोग बना, उस जब उन्होंने अपना रिपोर्ट दिसंबर में दिया, तो दिसंबर में ही फिर एक भाषाई प्रांत समिति का गठन हुआ। ये जो भाषाई प्रांत समिति था, इसको JVP आयोग भी कहते हैं। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया इसके सदस्य थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। विवाद काफी तेज हो गया, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य बने, इसके लिए 56 दिन का भूख हड़ताल किया था। कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, और
इसी दौरान इनका निधन हो गया तो बवाल बहुत ज्यादा हुआ, अंतिम में आंध्र प्रदेश राज्य के का गठन कांग्रेस को करना पड़ा था। जब इसका गठन हुआ उसके बाद जो और राज्य थे वो फिर भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे, और इस तरह से पूरे देश में एक तरह से आंदोलन चल गया। तो भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो या ना हो, इसके लिए फिर 3 सदस्यीय पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। इस 3 सदस्यीय जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पनिक्कर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन स्वीकार कर लिया गया, पर इन्होंने इन्होंने क्या किया, इतना ज्यादा प्रेशर था चारों तरफ से ना कि इनको स्वीकार तो करना ही था, पहले से ही माइंडसेट था कि स्वीकार करना है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया था। पर इन्होंने एक भाषा और एक राज्य की अवधारणा का खंडन किया, क्योंकि भारत में इतना भाषा है, इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती है, अगर इस आधार पे विभाजन होने लगे तो एक छोटे से जिले के जैसा भी राज्य नहीं होगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, गांव जैसा हो जाएगा राज्य। तो इन्होंने एक भाषा और एक राज्य की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के अनुसार जब यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो इसके अकॉर्डिंग उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन, यह भी 1956 में ही हुआ था। तो जो भी काखा गाघा थे इनको हटा दिया गया, जो भी राज्य बटे हुए थे भागों में इन्हें हटा दिया गया, और फिर उसकी जगह पे वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा लेके आई गई। अब जो क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार वो होता है सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ देता है कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, अरेंज कीजिए क्रमानुसार, अरेंज कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा आपको। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में फिर और क्रमानुसार जो और का गठन हुआ, सबसे पहले आंध्र प्रदेश हुआ ये तो क्लियर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ हो गया, जो महाराष्ट्री थे उनको महाराष्ट्र, मराठा जो बोलते थे, और जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात। फिर नागालैंड, उसके बाद नागालैंड का गठन हुआ, उसके बाद हरियाणा का गठन हुआ, मैंने हरियाणा में शाही आयोग बना था, तो जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब और जो हिंदी बोलते थे उन्हें हरियाणा, तो हिंदी बोलने के आधार पर हरियाणा राज्य बना था। फिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीक्वेंस है, इसको याद कर लेना होगा। फिर गोवा था, छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था, झारखंड था और तेलंगाना। तो तेलंगाना तो अभी सबसे अंतिम में बना, 29वां राज्य। देख, दादर और नागर हवेली 1954 में स्वतंत्र कराया गया। जब ये भारत आजाद हुआ तो फ्रांसीसी ने तो अपनी जो भी उपनिवेश थे वो भारत को बहुत आराम से दे दिया, लेकिन पुर्तगाली नहीं मान रहे थे, पुर्तगाली अपने उपनिवेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर वही पुलिस की कार्रवाई, पुलिस को डाला, घुसाया गया, फिर बाद में जाके दादर नगर हवेली को स्वतंत्र करवाया गया, फिर गोवा को भी ऐसे ही किया गया। और जब ये 1954 में स्वतंत्र करवाया गया तो 1961 तक दादर और नगर हवेली का प्रशासन वहां की जनता ही चला रही थी, भारत सरकार का उसमें हस्तक्षेप न के बराबर था। लेकिन 10वें संविधान संशोधन से इसे भारत का संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। फिर गोवा, दमन और दीव को 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा ही पुर्तगालियों से छीना गया। तो 1954 में दादर और नगर हवेली को छीना गया, फिर गोवा, दमन, दीव को छीना गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में इस सबको मिला के संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और दमन और दीव जो था उसको पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जो आज तक है। 1954 में फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सुपुर्द किया, ठीक। फ्रांस ने अब बहुत आराम से अपने जो भी उपनिवेश थे वो दे दिए थे। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और आज भी संघ शासित प्रदेश है वो। हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था, फिर बाद में उसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, और सिक्किम 22वां राज्य था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसमें बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखना है कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और 47वें संविधान संशोधन 47वें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 371 च जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रावधान थे। तो यह जो 371 च है, इसमें सिक्किम से जुड़े हुए, उसके प्रशासन से जुड़े हुए प्रावधान है, इसको भी 36वें संविधान संशोधन के साथ ही लाया गया था। तो ये रहे जो चैप्टर्स हमने अभी किए थे, संघ और उसके क्षेत्र, तो उससे संबंधित ये फैक्ट है। और मुझे लगता है कि इतने से ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो जो भी कुछ बचा होगा तो उस क्वेश्चन आंसर में उसको कर लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले नए टॉपिक के साथ।